हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीतास ग्रीन कॉर्नर। तो मैं आज एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आजकल तो हेयर प्रॉब्लम सबका होता है। तो क्यों ना हम लोग अपने गार्डन से कुछ ऐसी चीज़ लेके आए जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पहले मेरे लिए करी पत्ता, और करी पत्ता इज़ रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट एंड इट मॉइस्चराइजेस द स्कैल्प। देन मैं ली हिबिस्कस, और हिबिस्कस में एमिनो एसिड जो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प का इनक्रेज करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और थर्ड में ली एलोवेरा जो कि जिसमें विटामिन ए सी और ई भी पाया जाता है। तो मैं 1 कप पानी ली और उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट है उसमें मैं बॉईल कर रही हूँ, और इसमें अभी थोड़ा सा चाय की पत्ती भी डाल दूँगी क्योंकि चाय पत्ती वो भी एसिडिक होता है। और स्कैल्प में आपका कुछ भी अगर इन्फेक्शन हो, रैशेस हो, देन इट क्योर्स दैट ऑल्सो। देखिए, तो मेरा जो 1 कप वाटर ये रिड्यूस हो के 1/2 कप हो गया। तो अभी मैं इसको छान लूँगी, ये चाय बन गया बिल्कुल, ये देख सकते हैं। और इसको मैं छान के इसमें मैं अभी थोड़ा सा एलोवेरा उसको ऐड करूँगी। तो करी लिप्स में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो बीटा कैरोटीन भी होता है और जो हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। उसी तरह हिबिस्कस की जो रहता है कंडीशनर के काम करता है, और ये हेयर को स्मूथ करता है और मैनेजेबल करता है। और एलोवेरा की बात तो आप सबको ही पता होगा, इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड रहता है जो कि एक गुड कंडीशनर की तरह काम करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आप इसको शैम्पू करने से पहले 1-2 घंटे के पहले अपने बालों में लगा सकते हैं, या तो इसमें आप जो रेगुलर शैम्पू आप यूज करते हैं इसी में ही मिक्स करके यू कैन शैम्पू योर हेयर डाइल्यूट करके। तो शैम्पू का कोई बैड इफ़ेक्ट भी बालों पर नहीं गिरेगा, ये देख सकते हैं। और मैं तो इसको रेगुलरली ही यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हैं, ये मेरा शैम्पू भी बन गया डाइल्यूट करके। या तो आप कुछ रख के शैम्पू करने के बाद भी इसको वाटर में डाइल्यूट करके इसको बाल को धो सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।